निवास मंत्री तलसा अलगे एमएल सविता इधर प्रतिभवन को बैलदेर मुख्य विचारण जगह तीर पैन सीएम केसीआर तो माटे अवकाश प्रकट विदार प्रस्तमे एमएलए क्रांति किरण प्रतिभवन बैलदेर जी मुख्यमंत्री नेतल कार्यकर्ता प्रस्तम इंटर विचारण जगह प्रश्न स्पीर सीएम केसीआर को एमएलसी कविता विवरी अवकाश प्रस्तम प्रकट विदे अवकाश तो माटे अवकाश केवल प्रकट विदार अभी सीएम तो माटन तरह आ प्रकट विदेस्ट आ प्रकट में यह अंश प्रस्ताव चूड़ी राजकीयपर अंशा प्रस्ताव लेकिन विचार तीर विवरी चूड़ी अच्छे मंत्री सरसाने श्रीनिवास एमएलसी कविता इंटी मरी जी दी तो प्रतिभवन आदेश सीएम केसीआर तो एमलाने उत्कंठते सीएम केसीआर केस विषय में एला वैखर तस्कोने चूड़ी सीएम तो माटन तरह स्पष्ट प्रश्न अच्छे वे अवकाश प्रस्तमें यह केस संबंधी इलां प्रकटन वस्तने उत्कंठ अब टीआरएस नेता फर्दर नोटिस विषय में यानी लेकिन मिगता संबंधी संबंधी विचारण जरिए तीर संबंधी यानी प्रकट में एमएलसी कविता पे अवकाश होती प्रस्तम व्यक्तिगत सिबंदी तब के सचार प्रगति भवन वचन तरह विवरा अवकाश व्यक्तिगत सिबंदी पैसा कड़ता प्रस्तमें एमएलसी कविता इंटर नीचे कार्यकर्ता नेता तिगे वेल्लिपता गंटपाट प्रगति भवन एमएलसी कविता सीएम केसीआर तो भेटे अवकाश क प्रस्तमें कविता टीआरएस कार्यकर्ता नेता अभिवादन चू प्रगति भवन को बैलदेर जी मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव वेहिकल आम प्रगति भवन को बैलदेर विचारण संबंधी जगह तीर रिकॉर्ड अंशाल सीबीआई स्पर् प्रश्न इवन प्रगति भवन सीएम केसीआर को विवरी अवकाश मेरे को केस वैखरी विधि सीबीआई स्पर् प्रश्न ये विधि उन्ई तुम जवाब संबंधी विवरण संबंधी ये अंशाल प्रस्ताव वीटने माटे अवकाश हो दादा 7.5 गंटल सागन विचारण एम जी मिनट टू मिनट एम जी अंश प्रस्ताव दस्पति अवकाश कनबड़ता अंशाल संबंधी सीएम केसीआर तो माटे अवकाश सीएम केसीआर तो माटन तरह दीन पैन पत्रा प्रकट विदे अवकाश प्रस्तमें संबंधी टीआरएस नेता कार्यकर्ता एमएलसी इंटर वेल्लिपत मोव सुदीर्घ सीएम केसीआर तो सवेश अवकाश होचारण के संबंधी इप्वर फर्दर डेवलपमेंट सीबीआई अधिकारे एमएलसी कविता एट सचारे एमएलसी कविता
దీనిపైన సమాచారం చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఉందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం అయితే ఎమ్మెల్సీ కవిత బయటకు వచ్చి నేతలు కార్యకర్తలకు ఉదయనిచ్చిన కూడా చాలా మంది నేతలు కార్యకర్తలు ఎమ్మెల్సీ కవితకు మద్దతుగా ఇంటి పరిసరాల్లో ఉంటూ ఆమెకు సంఘీభావం తెలపడం జరిగింది. వారందరినీ కూడా ఇదే విచారణ అనంతరం కలిసిన ఎమ్మెల్సీ కవిత వారందరూ కూడా అభివాదం చేస్తూ ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రగతి భవన్ కు బయలుదేరడం జరిగింది. ప్రగతి భవన్ లో సమావేశం తర్వాత స్పష్టమైన ప్రకటన, విచారణకు సంబంధించి ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి ఒక ప్రకటన అయితే విడుదల చేసే అవకాశం అయితే స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది.